हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 में है राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द फोर एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स गिवन है आपको, माइनर्स और को फैक्टर्स निकालने। ये आपके जो को फैक्टर्स हैं ये इनवर्स में यूज़ होंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इनवर्स पे। तो देखते हैं माइनर्स और को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और क्या है ये माइनर्स और को फैक्टर्स। तो फर्स्ट आपका डिटरमिनेंट गिवन है 2×2 का 20 माइनस 43। तो 2×2 है तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 ही माइनर्स होंगे और 4 ही आपके कोफैक्टर्स होंगे। माइनर्स को डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम आई जी, यानी जो भी एलिमेंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा आई और जे की जगह। और कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो सबसे पहला आ रहा है माइनर M11। माइनर कैसे निकालते हैं, जो भी एलिमेंट का माइनर आप निकाल रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देना आपको। M11 का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम और रो को आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका 3। तो ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट है M12। M12 ये एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे आप तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह M21 आ जाएगा आपका -4। M22 यानी ये एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा 2। तो ये थे माइनर्स। माइनर्स का मतलब जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दें। नेक्स्ट आ रहा है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में सिंपल आपको क्या करना है, जो भी आपका कोफैक्टर निकालना है तो -1 raised to power i + j। i का मतलब जो भी यहाँ एलिमेंट है उसका रो और कॉलम नंबर ऐड हो जाएगा और माइनस साथ लगा देंगे। तो a11 बनेगा -1 raised to power 1+1 और जो माइनर था आपका वो था 3। a12 बनेगा -1 raised to power 1+2 × 0। -1 raised to power 2+1 × -4। -1 raised to power 2+2 × 2। यानी आपकी कोफैक्ट जो माइनस थी, माइनस के साथ अगर आप उनके सिंबल भी लग जाए -1 raised to power जो भी यहाँ पर सफिक्स है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आपका कोफैक्टर बन जाता है। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -1 का क्यूब नेगेटिव, -1 का क्यूब नेगेटिव और -1 raised to power 4 इज पॉजिटिव। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 0, 4 एंड 2। ये थे माइनर्स और कोफैक्टर्स 2×2 की। अब आ रही है 3×3 की। कैसे निकालेंगे माइनर्स, सबसे पहले है हमारे पास M11। M11 एलिमेंट का मतलब फर्स्ट, ये वाला एलिमेंट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हमने छोड़ दिया, तो बाकी क्या बचा आपका, ये क्या बच रहा है 5 - 1 = 2। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, ये 5 × 2 = 10 -1 यानी +1, तो 10 + 1 = 11। अब M12 निकालेंगे। M12 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ना है आपको। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दिया, बाकी को सॉल्व करो। 3 × 2 = 6 -0, 6 - 0 = 6। ये तो था माइनस। इसी तरह M13 सारे आएंगे। A11 का मतलब क्या है हमारे पास, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, जो माइनर है उसके आगे क्या लग जाएगा, -1 raised to power 1+1। यहाँ माइनर था 6, इस 6 के आगे लग जाएगा -1 raised to power 1+2 यानी 3, नेगेटिव हो जाएगा ये -6। अब इसी तरह यहाँ पर माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल रही, तो ये 3 और बता रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, बाकी सेम इसी तरह ही है। M21 का मतलब ये वाला एलिमेंट है M21, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपको छोड़ना है। M21 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 0, 4 - 1, 2। 0, 4 - 1, 2 को सॉल्व किया, 0 + 4 कितना हो गया 4। M22 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को आपको छोड़ना है तो क्या बचेगा 1, 4, 0, 2। 1, 4, 0, 2 को सॉल्व किया, 2 - 0। M23 का मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा 1, 0, 0 - 1। 1, 0, 0 - 1 को सॉल्व किया, -1 - 0, ये आ गया -1। इसी तरह M31, 32, 33 निकालेंगे। कोफैक्टर्स में क्या करेंगे, जो माइनर आया वो तो आएगा ही आएगा, 4 जो भी यहाँ पर 2 आया, यहाँ -1 आया, इसके आगे क्या लग जाएगा -1 raised to power 2+1
माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस टू, माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस थ्री एंड सो ऑन। तो ये बन गए आपके माइनस और कोफैक्टर्स। ये था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जिसमें माइनर और कोफैक्टर निकालने थे हमें। थर्ड में क्या है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डेल्टा। सेकंड रो का मतलब ये वाले एलिमेंट्स 201, यानी कौन सा आएगा 821, 822 और 823। इनके कोफैक्टर्स को यूज़ करके आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी, यानी सेकंड कॉलम से सेकंड रो से इवैल्यूएट करना है। सेकंड रो से इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलिमेंट और उसके साथ उसका कोफैक्टर। इवैल्यूएट करते हैं तो एलिमेंट और उसके साथ उसका कोफैक्टर आता है। 823 सेकंड वाले लेने हैं, उसने कहा है सेकंड रो वाले 821, 822 और 823। तो एलिमेंट और उसके साथ उसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वैसे तो डायरेक्ट भी है, आता है हमें इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले ये एलिमेंट क्या है 2, 0 एंड 1। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, M21 माइनस वन इज टू पावर 2 प्लस 1। अब 21 का मतलब आपकी ये वाली रो छूट जाएगी और ये दो एलिमेंट कॉलम के छूट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 3823। इसको सॉल्व कर दो, 3 3 9, माइनस 8 2 16, माइनस 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7। इसी तरह 822 निकालेंगे सेकंड कॉलम और ये 21 छूट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 3 15, माइनस 1 × 8, 15 माइनस 8 इज 7। 823 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है 23, ये रो और ये कॉलम जाएगा आपका, तो बचेगा क्या 5 3 और 1 2। 5 3 और 1 2 को सॉल्व करना है, 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 7 और आगे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 7। अब डेल्टा की वैल्यू क्या थी, एलिमेंट और उसके साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो सेकंड रो का, तो ये बन जाएगा 2 × 7, 0 × 7, 1 × −7, 14 − 7 = 7। इसी तरह इसमें था कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम से आपको डेल्टा निकालना है। थर्ड कॉलम का मतलब ये वाले तीन एलिमेंट A13, A23, A33। तो A13 उसके साथ उसका कोफैक्टर, 23 के साथ उसका कोफैक्टर, 33 के साथ उसका कोफैक्टर। तो A13 एलिमेंट कौन सा है, स्मॉल a जो है वो एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, YZ ZX XY। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, A13 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ देंगे हम, तो क्या बचेगा आपका Z माइनस वाई। नेक्स्ट है हमारे पास A23, ये वाला एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 × Z − 1 × X, Z − X। 33 का मतलब ये वाली, ये एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दो तो क्या बन जाएगा Y − X। अब सिंबल कैसे लगेंगे, ये 1 + 3 था आपका पॉजिटिव हो गया, 2 + 3 नेगेटिव हो गया, 3 + 3 फिर पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया Z − Y, X − Z और Y − X। अब सिंपल क्या करना है, जो एलिमेंट है YZ लिखा, फिर इसके साथ इसका कोफैक्टर, एलिमेंट फिर कोफैक्टर, एलिमेंट फिर कोफैक्टर, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, फैक्टराइजेशन की गई है, फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व किया गया है। ज़रूरी नहीं फैक्टराइजेशन करनी है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं मिड में, बट ये करें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें शो नहीं करना था हमें। तो एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है एंड AIJ इज कोफैक्टर ऑफ AIJ, स्मॉल AIJ, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या बनी, चार ऑप्शन है यहाँ, 1 1 के साथ 3 1 है तो ये नहीं बनेगा, 1 1 के साथ 1 1 है, फिर 1 2 के साथ 2 1 है ये भी नहीं बनेगा, यहाँ 2 1 के साथ 1 1 है ये भी नहीं बनेगा, 1 1 के साथ 1 1, 2 1 के साथ 2 1, 3 1 के साथ 3 1। इसका मतलब आपकी ऑप्शन डी राइट हो जाएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करें तो हमारा डेल्टा आता है, यानी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ये थी 4.4 माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, अच्छे से करना, इसका यूज़ होगा आगे इनवर्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।